वैसे नाम रूप लीला और धाम भगवान का चतुष विग्रह, इन चारों में मंगल है। जैसे प्रमाण दे रहा हूं, नाम में मंगल, कितना मंगल है नाम में। भाव कुभाव अनख यालशहु, भाव कुभाव अलख यालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, अब जैसे भी भगवान का नाम ले, राम मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, फिर भी नाम मंगल करेगा। अरे भाव से लें तब तो मंगल करना चाहिए, लेकिन कुभाव, अनख, आलस, इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी। भाव की बात कह देते बस गोस्वामी जी, लेकिन भाव के साथ कुभाव कह दिया, अनख और आलस जोड़ दिया। मैंने कहा, महात्माओं ने तो अनुभव किया है, लेकिन तुम्हें अगर भ्रम है तो तुम भी अनुभव कर लेना। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कुभाव से, अनख से, आलस से नाम लिया जाए तो कल्याण हो जाए। मैंने कहा, हमारी बात मानोगे तुम? बोले हाँ मानूंगा। बिजली का तार था, उसमें करंट था। मैंने कहा इसको पकड़ो। बोले कैसे पकड़ेंगे? हमने क्या दिक्कत है तुमको पकड़ने में? बोले इसमें करंट है। अरे बना रहे करंट, तुम पकड़ो तो। मैं नहीं पकड़ूंगा। क्यों? अरे मर जाऊंगा। मैंने कहा पकड़ा है नहीं और तुम पहले से कैसे कह रहे मर जाऊंगा? भाई पकड़ा नहीं है और तुम पहले से कह रहे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, पकड़ के तो बताओ। अरे बोले वो तो कन्फर्म है, मरूंगा ही मरूंगा। क्यों? उसमें करंट है, पावर है। मैंने कहा ऐसे ही हमें विश्वास है, भगवान का नाम में बहुत पावर है, करंट है, हम चाहे जैसे लें, हंस के रोकें, अनक से, आलस से, जैसे बिजली का करंट पकड़ने से वो मारता है, वैसे ही भगवान का नाम चाहे जैसे लो वो तारता है। उसका काम तारने का है, वो तारता ही, चाहे जैसे लो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। हनुमान जी ने भी भगवान का नाम लिया। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपनी बश करे राखे राम, अपनी बस पवन शुद्ध पावन नाम, अपने वश कर राखे राम। ये नाम का प्रभाव है कि भगवान राम को अपने वश में कर लिया नाम के प्रभाव से। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। अच्छा बोलो भाई, आप सभी के मन में एक ही बात आ रही है कि मैं तरूं, मैं तरूं, तो तरने की बात आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस बात पर भी तो विचार करना चाहिए कि हम तरण पर विचार कर रहे हैं लेकिन हमारा मरण तो बिगड़ रहा है।
अगर हमारा मरण बिगड़ रहा है तो याद रखना तरण हमारा कैसे होगा। इसलिए मरण को सुधारना है। जन्म प्रारब्धा अनुसार कहीं भी किसी भी कुल खानदान परिवार में हो, लेकिन प्यारे हमें मरण को सुधारना है। मरण हमारा कैसे सुधरेगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे तब हमारा मरण सुधरेगा। बोलो, बिना भगवान के नाम के क्या मरण सुधर सकता है? नहीं नहीं, भगवान का नाम सभी को लेना पड़ेगा। अच्छा, और आयु पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। दो काम आस्था से जुड़े हैं, अवस्था से नहीं जुड़े हैं। एक तो भगवान का नाम लेने पर कभी उम्र पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम बुढ़ापे में लेंगे, और दूसरा दान करने में कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि मरने के पहले करें। हाँ, कि मरने के पहले करेंगे, बीच में करने की क्या जरूरत है? क्यों बोले, मरने के पहले करेंगे, ताजा ताजा दान करके जाएंगे, भगवान को याद रहेगा, भगवान कहेंगे आओ दान भी तुम्हारे लिए जगह है, ये बैठो बैठो बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए, अभी अभी तो तुम दान करके आए। कहा जवानी में हमने अगर दान कर दिया तो भगवान भूल ही जाएंगे, कब किया था, पूछेंगे कब किया था, हमको तो याद ही नहीं। और ताजा ताजा दान करके जाएंगे तो तुरंत भगवान कहेंगे आओ 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 आओ, बल्कि पहले से ही कहेंगे दानवीर आ रहा है, देखो अभी अभी दान करके, उसको बैठने की जगह दो। नहीं नहीं नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। जब से होश आवे भगवान के नाम से जुड़ जाओ, और जब से तुम्हारे अंदर सामर्थ आवे तब से दान करना शुरू कर दो। सामर्थ आवे तो दान करना शुरू करो, होश आवे तो भगवान का नाम लेना शुरू करो। लेकिन जब हम नाम लेने के लायक नहीं रहते हैं तब कहते हैं राम राम को। शिशुपन में शिखलाया की धरा धाम सत्य है, यौवन में शिखलाया की अर्थ काम सत्य है, पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब हम कुछ लेने के लायक नहीं रहते, कहने के लायक नहीं रहते हैं, अकड़े मकड़े रहते हैं, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य तो है, लेकिन वो ले पावे तब ना, वो तो अकड़ा मकड़ा पड़ा हुआ है। एक बात आपको और बताएं, जिनमें अकड़ मकड़ ज्यादा होती है वो राम का नाम नहीं लेती, समझ लो। अकड़ मकड़ जिनमें ज्यादा होती है वो राम का नाम नहीं लेते। अच्छा, और राम का नाम अगर लेने लगे तो अकड़ मकड़ ही समाप्त हो जाएगा, अकड़ना मकड़ना जो है बंद हो जाए अगर राम का नाम लेना शुरू कर दें आप। हनुमान जी महाराज ने रावण की अकड़ मकड़ को समाप्त करने के लिए ही कहा था कि रावण तू अपनी जिह्वा से राम का नाम ले। रावण बोला फालतू की बात मत करो, ये राम की बात, राम राम शब्द सुनकर के हमको पता नहीं कैसा लगने लगता है। हनुमान जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं उसको सुन रहे हो? कहा और सब सुनूंगा लेकिन राम शब्द नहीं सुनूंगा। 10 बार हनुमान जी ने राम राम कहलवा दिया रावण से, और रावण यही कहा और सब करूंगा राम का नाम नहीं लूंगा। हनुमान जी ने कहा क्या और सब करूंगा राम का नाम नहीं लूंगा। हनुमान जी कहते चले गए और रावण राम 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 कहता चला गया। याद रखो, इसी से रावण को मोक्ष मिल गया। समझ गए हो कि नहीं? रावण को ज्ञान से मोक्ष नहीं मिला है, रावण को
अभिमान था इसलिए मोक्ष मिल ही नहीं सकता था। रावण को ज्ञान से मोक्ष नहीं मिला, बल्कि हनुमान के द्वारा जो राम नाम लिवाया गया इसी से रावण को मोक्ष मिल गया। रावण को कहां से मोक्ष मिल जाता। सन्मुख होए जी मुह जमही जन्म कोटि अघनाशी तमही। भगवान का दर्शन भी किया युद्ध के समय और हनुमान जी ने सबसे पहले कई बार राम नाम लुवाया। राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिन विचार त्याग मधुमोहा। मोह का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर राम जी का नाम ले। प्रभु राम के नाम से ही तेरा कल्याण होगा, हनुमान जी ने बार बार इस बात को कहा। और रावण ने अनख से राम का नाम लिया है। किससे लिया है? अनख से। ये अनख है, और सब करूंगा राम का नाम नहीं लूंगा, और सब कहूंगा राम का नाम, ये अनख है। ये क्या है? अनक भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। इतना प्रभावशाली भगवान का नाम है, इसलिए राम जी का नाम होश आवे तब से लेना शुरू करो। और भगवान जैसे ही सामर्थ्यवान तुम्हें थोड़ा सा बनावे तो दान करना शुरू करो। ये नहीं कि बुढ़ापे पर दान करेंगे, मरने के पहले दान करेंगे। एक आदमी ने बहुत धन कमाया, इतना धन कमाया कि वो क्षेत्र का सबसे बड़ा धनपति हो गया। बूढ़ा हो गया, लोगों ने कहा देखो बहुत पैसा कमाया तुमने, अब दान करो, क्योंकि तुम बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हो इसलिए अब दान करो। अरे बोले अभी तो बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा हूं, अभी मरने के पहले दान करूंगा, अभी तो प्रवेश कर रहा हूं बुढ़ापे में, मरने लगूंगा उसके 10 मिनट पहले दान कर दूंगा। लोगों ने कहा कि उस समय शायद परिस्थिति अलाउ न करे, कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि तुम्हारे पास धन भी हो लेकिन फिर भी दान ना कर पाओ। बोले मैं नहीं करूंगा तो मेरे नाम पर मेरे बच्चे करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो मेरे नाम पर मेरे बच्चे करेंगे। लोगों ने कहा नहीं, मान लो बच्चों के अंदर लोभ आ जाए, प्रलोभ आ जाए, वो भी यही सोचने लगे कि मेरे पिताजी ने सोचा था कि मरने के पहले करूंगा, तो बच्चे भी सोचेंगे कि मरने के पहले मैं भी करूंगा। परंपरा बन रही है, वो परंपरा बन रही है, बात मानो दान कर लो। उसने कहा देखो भाई मेरे दिमाग में एक बात आ रही है और वो बहुत अच्छी सोच है मेरी, मैं प्रसन्न हूं अपनी सोच पर। क्या? मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, 10 लाख एक बच्चे को दे रहा हूं, 10 लाख दूसरे बच्चे को, 10 मैं अपने पास रख रहा हूं। और मरने के पहले वो 10 लाख रुपया मेरे पास ही रहेगा, मैं बैंक बैंक में जमा नहीं करूंगा। उसने ये सोचा कि बैंक में निकालने का मौका न मिले, कोई कंडीशन बन जाए, अपने पास रखूंगा। ठीक, बच्चों को 10-10 लाख देकर संतुष्ट करूंगा। अब जब बच्चों को रुपए बांट रहा था तो बच्चों ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये 10 लाख क्यों बचाया, 5-5 और बांटो, वो तो बच्चे हैं, धन की बात करते ही हैं। उसने कहा नहीं नहीं, ये 10 लाख रुपया मेरे लिए, मैं दान करूंगा। नहीं माना, उसने नहीं दिया पैसा। बच्चे जो सोचने लगे कि चलो जो है मिला सो मिला। जिस रूम में लेटता था सिर के पीछे अलवारी थी, अलवारी में उसने 10 लाख रख दिया।
और इस हिसाब से उसने अपना चारपाई पलंग डाला कि अलमारी खोलने के लिए हाथ पहुंच जाए मरने के पहले, और फट दे खोलूं और पैसा हाथ में आए और तुरंत दान कर दूं। ये उसकी कल्पना, लेकिन लड़कों ने निगाह पर रख लिया वो 10 लाख रुपया किसमें रखा हुआ है। एक दिन ऐसी कंडीशन आई उसकी कि याद रखना, पैर नहीं चल पा रहे थे, मुंह से बोल नहीं पा रहा था, बोल थक गया, केवल हाथ हिल रहे थे। ऐसी कोई बीमारी आई और मरने की स्थिति बन गई। अब मोहल्ला के लोगों ने कहा, अरे दान करो, दान करो, दान करो, दान करो। बच्चे आ गए, बच्चों ने कहा, फालतू की बात मत करो, जब दान करने के लिए कुछ हो तब ना करें दान। पिताजी टेंशन दे रहे हो मरने के पहले, आप लोग दान करो, दान करो। अरे पिताजी तुम्हारे कुछ हाथ हिला के ऐसे कर रहे हैं। अब वो यही कह रहा था कि दान करना इसमें रखा है, बोले हाथ हिला करके कुछ इशारा कर रहे हैं। लड़कों ने कहा, पिताजी ये कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं दान करो, दान करो, और पिताजी ये कह रहे हैं जो था इस मकान में लग गया बचा कहाँ है, जो था इस मकान में लग गया बचा कहाँ है, हाथ हिलाते हिलाते मर गया। और 10 लाख रुपया बच्चों ने बंदर बांट कर लिया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, स्वस्थ हालत में दान करो और स्वस्थ स्थिति में भगवान का नाम लो। इसलिए नाम और दान की परंपरा से हमेशा जुड़ना चाहिए जीव को, तभी उसका कल्याण होता है। अयोध्या की परंपरा और मिथिला की परंपरा दान करने की है। जहां दान होता है, यज्ञ होता है, संत सेवा होती है, वहीं पर भगवान आते हैं। इसलिए राम जी ने अयोध्या को स्वीकार किया है और जानकी जी ने मिथिला को स्वीकार किया है। बोलो यही महिमा है कि नहीं? आइए, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम, भाव कुभाव अनख याल सहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। यह नाम की महिमा। अच्छा, भगवान के धाम की क्या महिमा है? सब विधि पूरी मनोहर जानी, ये धाम की महिमा। सब विधि पूरी मनोहर जानी और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। ये मंगल की खदान है अयोध्या। आप अयोध्या प्रयाग और चित्रकूट के मध्य में, तो महाराज यही कंडीशन बराबर है, बराबर है। प्रयाग चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, क्या गजब की जगह है ये। परमहंस जी महाराज ने स्थान बहुत अच्छा चुना है। बोलो भाई, चुना है कि नहीं चुना है? अच्छा एक बात बताओ, अगर श्री परमहंस जी महाराज ने यहाँ तप न किया होता तो बोलो राजस्व रिकॉर्ड में केवल टीकर माफी होता, केवल राजस्व रिकॉर्ड में टीकर माफी होता। और याद रखना, ज्यादा से ज्यादा टीकर माफी को तहसील और जिला या उत्तर प्रदेश जान पाता, या भारत, ज्यादा से ज्यादा भारत का एक टुकड़ा होता। लेकिन परमहंस जी महाराज के तप के प्रभाव से आध्यात्मिक रिकॉर्ड में इसको पूरा विश्व जान गया है। प्यारे, ये है तप का प्रभाव, ये तप का प्रभाव है। और ऐसी जगह महापुरुष ने तपस्या की है कि समीप में अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग, ये है तप का प्रभाव। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, ये मंगल की खानी है अयोध्या। और याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं और सुन लो, बड़ी अद्भुत बात है और डंके की चोट पर कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अयोध्या का मंगल, प्रयाग का मंगल, चित्रकूट का मंगल, अयोध्या की रिद्धियां सिद्धियां, प्रयाग की रिद्धियां सिद्धियां और चित्रकूट की रिद्धियां सिद्धियां,
इन तीनों की रिद्धियां सिद्धियां मंगल ये सब परमहंस आश्रम के खजाने में भरा पड़ा है, जो भी आए यहां से ले जाए। समझ गए हो कि नहीं? खजाना यहां है, सप्लाई वहां से हो रही, लेकिन रखा यहां जा रहा है, सप्लाई यहां से किया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बिना परमहंस जी की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, याद रखना, ना अयोध्या से, ना प्रयाग से, ना चित्रकूट से। इन तीनों तीर्थों के मंगल के खजाने की चाबी रिद्धियों सिद्धियों के पास जितना भी प्रभाव है, उन सब की चाबी अगर है तो परमहंस जी महाराज के पास है। वो जिसको जितना देना चाहे स्वतंत्र हैं।